कारेश्वर ज्योतिर्लिंग शिव पुराण कथा। एक बार विंध्य पर्वत ने भगवान शिव की कई माहों तक कठिन तपस्या की। उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर शंकर जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और विंध्य पर्वत से अपनी इच्छा प्रकट करने के लिए कहा। इस अवसर पर अनेक ऋषि और देव भी उपस्थित थे। विंध्य पर्वत की इच्छा के अनुसार भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के दो भाग किए, एक का नाम ओंकारेश्वर रखा तथा दूसरा ममलेश्वर रखा। ओंकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग के दो रूपों की पूजा की जाती है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से संबंधित अन्य कथा के अनुसार भगवान के महान भक्त अम्बरीश और मुचुकुंद के पिता सूर्यवंशी राजा मांधाता ने इस स्थान पर कठोर तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया था। उस महान पुरुष मांधाता के नाम पर ही इस पर्वत का नाम मांधाता पर्वत हो गया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और आगे किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।